जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला अभिभावकों के लिए निकाला, जिसमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को एक राहत प्रदान की गई है। इस ऑर्डर में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जिनकी एडमिशन फीस या दूसरी कैपिटेशन फीस जो है उसमें लेट हो चुके हैं और जो स्कूल्स हैं उन्हें उस फीस के ऊपर एक लेट फीस जो है वो आयद कर रहे हैं, तो ऐसा स्कूल वाले नहीं कर सकते और अभिभावकों को अपनी एडमिशन फीस, एनुअल फीस और कैपिटेशन फीस पर लेट फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि अभिभावकों को यह लग रहा था कि शायद ये उनके लिए एक बेहतर कदम है और राहत प्रदान करने वाला कदम है। इसी विषय को लेकर हम जो जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित कपूर, इनसे मिले कि आपकी क्या राय है, कि आपको लगता है कि ये जो जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी द्वारा ये नोटिस, ये ऑर्डर निकाला गया है, क्या वो राहत प्रदान करने वाला है या इसके पीछे भी कुछ एक सियासत की बूझ जरूर आ रही है। अमित जी आपका स्वागत है, और अमित जी आपको क्या लगता है कि ये जो JKFFC ने ऑर्डर निकाला है इससे लोगों को रिलैक्सेशन देने की कोशिश की गई है कि लेट फीस अब आपको देने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कि एडमिशन फीस, एनुअल फीस और कैपिटेशन फीस देना जरूरी है? देखिए अमित जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने काफी इंटरव्यू में ये बात कही है कि कोई भी स्कूल एडमिशन, कैपिटेशन, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले सकता। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो आज खुशियां मना रहा होता और आज अपनी जीत के लिए जोर जोर से अपने आप को एक प्रमोट करवाता, अपने आप को प्रमोट करता कि देखो मेरी कितनी बड़ी जीत होगी, मैं 2 साल से पीछे लगा हूँ, 3-4 साल से पीछे लगा हूँ। लेकिन असल मायने में पेरेंट्स को फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई। कैसे? आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपने बंद करना है, अगर आपने एडमिशन फीस, पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पढ़िए, एडमिशन फीस कोई स्कूल नहीं ले सकता। कैपिटेशन, रजिस्ट्रेशन फीस ऑलरेडी कोरोना काल में बंद है, ठीक है, अभी कोरोना गया नहीं, कल भी आपने देखा 68 केस J&K में आए हैं, अभी भी वही प्रोटोकॉल चल रहे हैं, अभी भी आप बायर फ्लाइट अगर बायर जाते हो तो आपको मास्क डालना कंपलसरी है, कोरोना अभी भी चल रहा है। तो अभी भी एडमिशन, कैपिटेशन, रजिस्ट्रेशन, एडमिशन तो है ही नहीं, एडमिशन कोई भी स्कूल नहीं ले सकता। इन लोगों ने क्या किया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मिलकर बहुत बड़ा नेक्सस चलाया, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे देश में। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि कोई भी स्कूल एडमिशन फीस नहीं ले सकता, उसके बाद इन्होंने उसी एडमिशन फीस को नाम दे दिया एनुअल फीस, एनुअल चार्जेस, ठीक है, इन्होंने एनुअल चार्जेस के नाम से लूटना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कोरोना काल में हमने सुप्रीम कोर्ट से वो भी बंद करवाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया ओनली ट्यूशन फीस, ओनली ट्यूशन फीस, तो ट्यूशन फीस के नाम से भी इन्होंने लूटा। आप समझ सकते हैं कि टीचर के नाम की सैलरी को लेकर इन्होंने कमाई भी की, अपना जो भी था इन्होंने सब कुछ पूरा करने को पूरी पूरी मंथली फीस ली, हमने वो भी बात उठाई। लेकिन यहाँ पे इतनी गुंडाई, मैं बोलूंगा गुंडाई, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये सरकारें हैं जो इस चीजों को नकेल नहीं कस पा रही प्राइवेट स्कूलों को। रही बात ऑर्डर की, अगर आपने ऑर्डर निकालना है तो आपने एडमिशन फीस को एनुअल चार्जेस का जो नाम दिया है, आप एनुअल चार्जेस क्यों नहीं बंद करते? आप मुझे एक चीज बताइए, हम हर महीने फीस देते हैं, उस फीस में 5 कंपोनेंट जो कि प्राइवेट स्कूल वालों ने खुद लिख के दिए हुए हैं, जब एडमिशन फीस, जब आपने ट्यूशन फीस दे दी मंथली फीस, उसमें से टीचर को सैलरी भी चलेगी, उसमें से आपके डेस्क का खर्चा भी निकल गया, उसमें से आपका जो भी खर्चा है सब कुछ निकल गया, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जितना भी खर्चा है वो सारा निकल गया। जब हर महीने आपको बच्चा फीस दे रहा है, 12 महीने वो फीस देता है, 12 महीने के बाद आप लोग जो एनुअल चार्जेस लेते हो या एडमिशन फीस के नाम से लेते हो, जो एडमिशन फीस को एनुअल चार्जेस आपने बना दिया, वो किस चीज का लेते हो? क्या आप अपनी प्रॉपर्टी में जो हमारे जो पेरेंट्स को पार्टनर बनाते हो? जब आप पेरेंट्स को पार्टनर नहीं बनाते तो आप एनुअल चार्जेस किस चीज का ले रहे हैं, और किस चीज का एजुकेशन डिपार्टमेंट एनुअल चार्जेस जो है वो प्राइवेट स्कूलों को दिलाती है पेरेंट्स से? एक, अब रही एडमिशन, कैपिटेशन और रजिस्ट्रेशन, एडमिशन फीस, कैपिटेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस और लेट फीस। मैं आपको एक चीज बता दूं, लेट फीस, अगर आप एक साल भी आपकी फीस नहीं दी गई स्कूल में, आपको कोई स्कूल से निकाल नहीं सकता, और लेट फीस अंडर रूल आप ले नहीं सकते, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा हुआ है, अगर आप लेट फीस लेना चाहते हैं तो आप लोगों की अगर 20,000 रुपया फीस है तो उसकी कितने परसेंट फीस आएगी? पॉइंट कुछ परसेंट, आप समझ सकते हैं कि एक 0% लगा लीजिए। ये ऑर्डर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है पेरेंट्स को, और पेरेंट्स को हमेशा बेवकूफ बनाते आए एजुकेशन डिपार्टमेंट, बेवकूफ बनाते आए JKFFC,
JKFFC को अगर ऑर्डर निकालना ही था तो वो एनुअल चार्जेस बंद करती। अगर JKFFC को ऑर्डर निकालना ही था, JKFFC पेरेंट्स का सोच रही है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पेरेंट्स का सोच रही है, तो 2014 के बाद जहां से मैंने ये फाइट स्टार्ट की थी, 18/3/2019 का ऑर्डर है, 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई है विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापिस होनी थी, जो दिल्ली में वापिस हुई, महाराष्ट्र में वापिस हुई। उसके बाद दूसरा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि जितनी भी कोरोना काल में फीस है 15% फीस रिड्यूस, वो भी नहीं हुआ इंप्लीमेंट। राइट टू एजुकेशन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आप तीन चीजों को अभी तक इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप नया ऑर्डर बेवकूफ बनाने के लिए पेरेंट्स को आप क्या सोचते हैं कि आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पांच पांच बनाकर आप उनके साथ मीटिंग करेंगे तो वहां जाके आप अपने ऑर्डर निकालेंगे। और पहले आपने 12% फीस, ट्रांसपोर्ट फीस का ऑर्डर जो निकाला, मैं उनको ये भी पूछना चाहता हूं कि 12% फीस का ऑर्डर आपने कैसे दिया? क्या आपको पता था कि इस स्कूल की बस फीस ये है, इस स्कूल की ट्रांसपोर्ट फीस ये है? क्या पहले आपने कोई डिसाइड की हुई है कि ट्रांसपोर्ट फीस ये होगी? जब आपकी पहले ही ट्रांसपोर्ट फीस डिसाइड नहीं है तो उसके ऊपर आप 12% कैसे बढ़ा सकते हैं? तो यहां से पता चलता है कि JKFFC एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैं कह रहा हूं कि मोर करप्ट ऑफिसर यहां बैठे हुए हैं, और शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो लॉक लगा देना चाहिए। जिस तरह ये पेरेंट्स को लूट रहे हैं, जिस तरह पेरेंट्स के साथ मजाक बनाया जा रहा है और पेरेंट्स की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं कोरोना काल में दो सालों से जिन पेरेंट्स ने फीस नहीं दी, उन्होंने गहने बेचकर फीस दी, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के फीस दी, उनके कई बच्चों की जो एजुकेशन है, स्टडी है, वो बीच में छूट गई, उनका जिम्मेवार कौन है? अगर आपने राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट किया होता तो 25% बच्चे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते, और जब 25% बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते तो आप सोचिए कई बच्चे जो है वो हमारे आज एजुकेटेड होते, वो क्लास अपनी जो कंटिन्यू अपनी स्टडी को रख सकते थे। लेकिन पेरेंट्स अभी भी घबराते हैं क्योंकि बच्चों का फ्यूचर है। लेकिन अभी इस साल भी उन्होंने एनुअल चार्जेस दिए हैं, जो कि एक एडमिशन फीस के रूप में एनुअल चार्जेस उन्होंने आयद किए थे। अब बच्चों ने पैसे दिए हैं तो उम्मीदें उनकी अमित कपूर से थी। अमित कपूर हालांकि अब पॉलिटिशियन बन चुका है, आम आदमी पार्टी के नेता बन चुके हैं, तो आपके पास दोहरा ताकत बढ़ चुकी होगी। क्या एक PIL दायर नहीं हो सकती कोर्ट में वापस, या कोई कोर्ट सुयो मोटो नहीं ले सकती कि आपने कैसे लिया? सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन मैंने मूव की हुई है। सुप्रीम कोर्ट में एक छोटा सा स्टे है, आप इस चीज को समझिए कि एक्स पार्टी स्टे, वो एक्स पार्टी स्टे कौन तुड़वा सकता है? आप समझिए, वो थर्ड पार्टी नहीं तुड़वा सकती, वो जो पार्टी केस जीती हुई है उसको सिर्फ वहां जाके पहुंचना है, उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है। और केस जीतने वाले कौन है? केस जीतने वाला हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, केस जीतने वाले हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, केस जीतने वाले हमारी JKFFC। ये इनको सिर्फ वहां पे जाना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में जाना है, और एक्स पार्टी स्टे 10 दिनों में विकेट हो जाएगा और करोड़ों अरब रुपया पेरेंट्स को जो वो वापिस जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये स्टे विकेट करवाने के पीछे नहीं जा रहे। और हमारे में LG साहब की बात करता हूं, क्या LG साहब को नहीं पता कितने, आपको पता ही है कि मैंने इनके कितने कमिश्नर सेक्रेटरियों के खिलाफ बोला है, मैंने नाम लेकर बोला इनके डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर और कमिश्नर सेक्रेटरियों के खिलाफ बोला, लेकिन फिर भी क्या LG साहब को सुनाई नहीं देता? अगर LG साहब इतने ही ईमानदार है, अगर LG साहब इतने ही भाजपा की ईमानदारी कहते हैं, अगर ये भाजपा असल मायने में पेरेंट्स का फायदा चाहती है, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर छोटा सा स्टे जो है, जो एक्स पार्टी स्टे है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट पहुंची ही नहीं, एक्स पार्टी स्टे कैसे लगता है? एक्स पार्टी स्टे ऐसे लगता है कि जैसे प्राइवेट स्कूल वाले केस हारे थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से इनको लेटर आई कि आप यहां पे आइए, चार बार मैसेज आया। ये एक बार गए रजिस्ट्रार के पास साइन करके आगे, हाजिरी लगा के आगे, और तीन बार गए ही नहीं, इसलिए उनको स्टे मिला एक्स पार्टी स्टे। तो ये एक्स पार्टी स्टे 2 मिनट में टूट जाएगा और लाखों करोड़ रुपए पेरेंट्स को वापस होगा। और तीसरा, आप एनुअल चार्जेस किस बेस पे लेते हैं? आप क्या अपनी प्रॉपर्टी में, आप कहते हैं हमने प्राइवेट स्कूल कोई बिजनेस नहीं है, हमने बिजनेस बंद करना है, तो भाई साहब सबसे पहला बिजनेस उसका ये बंद कीजिए, आप दुकान खोलते हैं, आप जब शॉप खोलते हैं आपके पास कस्टमर आता है, सूट लेता है, चला जाता है, क्या वो आपकी दुकान का किराया देता है? क्या आपकी दुकान की मेंटेनेंस देता है? जब आपने सूट लिया, बात खत्म। ऐसे ही हमारा बच्चा स्कूल जाता है, हम फीस देते हैं मंथली, टीचर की सैलरी दी, आपने जो खर्चा निकाला, हमने फीस दी, बात खत्म। आप 12 महीने के बाद जो एनुअल चार्जेस लेते हो, जो करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करते हो, वो पैसा कहाँ जाता है, कौन लेता है, कहाँ जाता है? वो जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट की टैची और JKFFC को टैची। शायद इसीलिए आज JKFFC के पास फुल पावर्स है। मैं JKFFC को चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक भी स्कूल, कोई
अगर चंद स्कूलों को छोड़ दीजिए, चंद स्कूलों को छोड़ दीजिए, एक भी स्कूल कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास कंप्लीट फॉर्मेलिटीज होंगी, लेकिन फिर भी वो स्कूल चल रहे हैं, फिर भी वो पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। पेरेंट्स आखिर बेचारा कहां जाएगा? पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए गहने बेचता है, पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए हर एक चीज करता है, लेकिन पेरेंट्स को फिर भी ब्लैकमेलिंग होती है पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स के साथ अब ये कहते हैं कि कोई भी स्कूल ऐड नहीं कर सकता, कोई भी स्कूल बिजनेस नहीं कर सकता। तो भाई साहब, बिजनेस तो आपने खुद करवाया, बिजनेस पहले आप मिडिल में ये ऑर्डर निकाल रहे हैं। आप आज महीना कौन सा है? आज जून महीना है, सबने एडमिशन ले ली, सबने एनुअल ले ली, सबने बुक्स ले ली, सबने यूनिफॉर्म ले ली, सबने रजिस्ट्रेशन फीस ले ली, सबने कैपिटेशन ले ली, अब इनको याद आया? मैं इनको पूछना चाहता हूं, आपके ऑर्डर, आपने पुराने ऑर्डर आप इंप्लीमेंट कर नहीं रहे, आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आप इंप्लीमेंट कर नहीं रहे, राइट टू एजुकेशन अभी तक आप ला नहीं रहे, और आप बेवकूफ बना रहे हैं पेरेंट्स को। और आप क्या सोचते हैं हम लोग आपकी जीत का जश्न मनाएंगे? मैं बोलूंगा अमित कपूर ने बहुत बड़ा काम कर दिया, दो सालों से बोल रहा था तो आज ऑर्डर आ गया। मैं उन लोगों में से नहीं हूं भाई साहब, मैं आप लोगों को नंगा करके छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोग एक्सपोज हो चुके हो। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेके एफएफसीबी जो है, मुझे पूरा यहां तक लगता है जेके एफएफसी और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की भी सेटिंग हो चुकी है। शायद इसी वजह से आज पेरेंट्स के साथ फिर धोखा हुआ। और मैं फिर पेरेंट्स को कहना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, कैपिटेशन, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स फीस आप लोगों से ये नहीं ले सकते, ये फिर आपको बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ भी नहीं। ये ऑर्डर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये ऑलरेडी ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का। ओनली ट्यूशन फीस ले सकते थे ये कोरोना काल में। और रही बात एनुअल, जब आपको ये पार्टनर बनाते ही नहीं अपनी प्रॉपर्टीज में, तो फिर किस बात का एनुअल? मुझे ये बता दीजिए, क्या लाखों 2000 एक एक स्कूल में बच्चा है बड़े स्कूलों में, ठीक है, और 10-10, 20-20 हजार रुपया लिया जाता है। आप समझिए 3-4 करोड़ रुपया साल का इकट्ठा किया जाता है। क्या मेंटेनेंस पे आपको बिल्डिंग क्या ट्रिपल बन जाती है? वो बिल्डिंग में मेंटेनेंस 4 करोड़ रुपया लग जाता है। वो कहां जाता है पैसा? वो जाता है कुछ पैसा उन चंद 20-30% चला जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, 10-20% आप जेके एफएफसी को जाएगा और हो गया काम। तो ये सब नहीं चलेगा। अगर पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती है बीजेपी, अगर पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं एलजी साहब, और अगर पेरेंट्स के लिए जेके एफएफसी कुछ करना चाहती है, तो एनुअल चार्जेस बंद करो। बिल्कुल, ये बातें कड़वी तो जरूर लगेंगी एडमिनिस्ट्रेशन को, और अक्सर जो प्राइवेट स्कूल के मालिक है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये जरूर कहती है कि अमित कपूर जो है वो इसी तरह से बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई तो दिखती है, क्योंकि उसका आंसर जो है, जब हम नहीं दे पा रहे तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या आंसर है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर देना होगा। और अगर वो ये कहते हैं कि अमित कपूर आकर खुद ठीक क्यों नहीं कर लेते, तो वो जिस पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं, आम आदमी पार्टी, उनकी पार्टी ने दिल्ली में ये सब कुछ करके दिखाया है जो अमित कपूर यहां पर बोल रहे हैं। एक चीज और कहना चाहता हूं, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के हालात देखिए। मैं लास्ट दिनों की बात बताऊं, आज भी कई बच्चे पहाड़ी बच्चे जो है बेचारे, वो आज खज्जल हो रहे हैं, वहां पे टीचर्स नहीं है। ये टीचर्स गवर्नमेंट स्कूलों में प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, ये गवर्नमेंट स्कूलों में वॉशरूम तक नहीं बनवा पा रहे। वहां पे आपने एक बच्ची की वीडियो देखी होगी, वीडियो वायरल हुई थी, वहां पे एक छोटी छोटी बच्ची है बेचारी, बाथरूम करने के लिए, बाथरूम नहीं था स्कूल में, तो वॉशरूम जब स्कूल में नहीं था, बच्ची बाहर बैठी, तो कुछ शरारती तत्वों ने उनकी फोटो खींचने की कोशिश की। तो यहां से पता चलता है कि डोडा के ये हालात हैं, हमारे रजौरी पुंछ के स्कूलों के ये हालात हैं, हमारे जम्मू के स्कूलों के हालात देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूलों के ये ऑप्शन तक नहीं दे पाए। अगर इन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों की ऑप्शन दी होती हमारी सरकारों ने, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, हमारे जी साहब ने, जहां हमारे गवर्नर साहब ने, जहां हमारे, तो आज तक प्राइवेट स्कूलों की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये साथ होकर बिजनेस करवा रहे हैं, बुक्स का, यूनिफॉर्म का, हर चीज का साथ होकर बिजनेस करवा रहे थे। और जब मिडिल जून जुलाई आता है, तो ये कोई ना कोई ऑर्डर निकाल के, और मैं, मुझे एक चीज बताइए, जून जुलाई की फीस किस बात की? जब जून जुलाई में आप टीचरों को सैलरी देते नहीं, जून जुलाई में आप टीचरों को सैलरी देते नहीं, तो आप पेरेंट्स से पूरी पूरी फीस लेते हैं, किस बात की? 10 दिन बच्चा स्कूल गया होता है तो छुट्टियां पड़ जाती है और पूरे महीने की ट्रांसपोर्ट फीस उसे ली जाती है। अभी आप लास्ट में लगाइए, 10th के पेपर हुए, 23 को पेपर खत्म हुए, 26 को क्लासेस लगाई गई, और फीस बच्चों से अप्रैल मई जून की पूरी पूरी ली गई और ट्रांसपोर्ट फीस भी ली गई। तो ये है इन स्कूलों के हालात। और फिर ये कहते हैं हम लोग बहुत लॉस पे हैं, तो भाई साहब लॉस आपको इतना हो रहा है तो आप रेडी लगाइए, बिजनेस कीजिए, फ्रूट की रेडी लगाइए, चाय बेचिए, कुछ भी बेचिए, लेकिन आप लोग स्कूलों में बिजनेस नहीं कर सकते। और ये दुआ कीजिए कि मैं कामयाब ना हूं पॉलिटिक्स में, अगर मैं पॉलिटिक्स में कामयाब हो गया तो मैं तुम्हारे स्कूल नहीं चलने दूंगा, तुम्हारा बिजनेस नहीं चलने दूंगा। मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, ये मान लीजिए कि प्राइवेट स्कूल वालों के वोट तो जो है वो आपको नहीं मिलने वाले हैं, इतनी कंफर्म है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले और एडमिनिस्ट्रेशन आखिर क्या नेक्सस है, ये तो भगवान ऊपर वाला जानता है, क्योंकि जो बातें अमित कपूर कहते हैं उसमें सच्चाई जरूर बयां होती है। या तो प्राइवेट स्कूल इस तरह के जो एक्विजिशंस है उन्हें
काउंटर करने का दम रखता हो और ये काउंटर्स जो है वो सामने आकर करे, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन खुद समझाए कि आखिर ये जो सवाल सारे अमित कपूर ने रखे हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस तरह के सवाल जो है वो खड़े करने के लिए मजबूर करता है। और बाकी जो लोग इनको गलत कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जो है, अपनी बढ़ास जो है वो जरूर निकाल सकते हैं। फिलहाल आप जुड़ रहे हैं व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।